हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द पार्ट 3 ऑफ दिस वीडियो। सो गाइस, इसके फर्स्ट पार्ट में हमने रोहित शर्मा सर के फेस का आउटलाइन ड्रॉ किया था एंड सेकंड पार्ट में गाइस हमने आईज वाले सेक्शन को शेड किया था। तो गाइस, उन दोनों पार्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के इस पार्ट में गाइस हम पूरे फेस को शेड करने वाले हैं एंड गाइस बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सारे ड्राइंग मटेरियल्स पार्ट 2 में मैंने आपको बता दिए थे, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। सो गाइस, सेकंड पार्ट में हमने फेस में बेस लेयर को ऐड किया था। अब मैं बेस लेयर को ब्लेंड करने जा रहा हूँ टिश्यू पेपर का यूज़ करके। तो गाइस, आपको इस तरह से सर्कुलर मोशन में टिश्यू पेपर से ब्लेंड करना है और इससे जो ब्लेंडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होगी। इस तरह से बेस लेयर को ऐड करने के बाद, उसे ब्लेंड करने के बाद, अब यहाँ पे मैं 2B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। अब गाइस हम नोज में सेकंड लेयर को ऐड करने वाले हैं एंड सेकंड लेयर गाइस हम सिर्फ शेडोड एरिया में ही ऐड करेंगे। इतना ड्रॉ कर लेने के बाद गाइज, अब यहाँ पे हम 7B पेंसिल का यूज़ करेंगे क्योंकि नोस्टल्स वाला सेक्शन काफ़ी ज़्यादा डार्क है, तो इसलिए हम डार्क शेड का यूज़ करें। तो गाइज, आई होप आपको अब तक पता चल गया होगा कि हमें कौन सा ग्रेड कहाँ पे यूज़ करना है। इस तरह से व्हाइट हाईलाइट्स को ऐड कर लेने के बाद गाइज, अब यहाँ पे मैं एच पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। अब गाइज, नोज़ में हम थोड़ी डिटेलिंग को ऐड करेंगे, थोड़ी फाइन लाइंस को ऐड करेंगे ताकि हमारा जो नोज़ है वो और ज़्यादा रियलिस्टिक लग सके। अब इस तरह से इतना ड्रॉ कर लेने के बाद, अब यहाँ पे मैं 2B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। अब गाइज, हम पूरे फेस में चीक्स एंड जो फोरहेड वाला सेक्शन है वहाँ पे सेकंड लेयर को ऐड कर रहे हैं। तो गाइज, जिस तरह से हमने नोज में सिर्फ शेडोड एरिया में ही सेकंड लेयर को ऐड किया था, उसी तरह से हम पूरे फेस में सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे। इतना ड्रॉ कर लेने के बाद गाइज, अब यहाँ पे मैं एच पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। अब गाइज, हम फोरहेड में जो फाइन लाइंस है उनको थोड़ा यहाँ पे और रियलिस्टिक बनाने का ट्राई करेंगे एंड रियलिस्टिक स्किन टेक्सचर बनाने का ट्राई करेंगे। तो आपको गाइज स्मॉल स्मॉल फाइन लाइंस जो हैं वो फोरहेड पे बनानी है एंड स्मॉल स्मॉल डॉट्स बनानी है ताकि हम रियलिस्टिक स्किन टेक्सचर को यहाँ पे अचीव कर पाएं। इस तरह से हम यहाँ पे टोमोमोनो इरेजर का भी बीच में यूज़ करेंगे और इससे भी हम थोड़ी वाइट डॉट्स चीक्स वाले सेक्शन में ऐड करेंगे ताकि हमारा जो चीक्स वाला सेक्शन होता है, जो स्किन टेक्सचर होता है, जो पोर्स होते हैं वो यहाँ पे हम दिखा पाएं।
सो गाइज़ यहाँ तक आप देख सकते हो हमने काफ़ी हद तक जो रियलिस्टिक फेस है उसको बनाने का यहाँ पे ट्राई किया है। एंड गाइज अगर आप इस वीडियो को देखकर कुछ सीख पाए हैं, कुछ टेक्निक्स जो है सीख पाए हैं, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और गाइज अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और गाइज इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लिप्स, बियर्ड, मूछे और जो हेयर्स वाला सेक्शन है उसको कंप्लीट करेंगे। सो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइज, जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर गाइज़।